हेलो एवरीवन, आई एम निवेश कश्यप। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द टॉपिक दैट इज हरप्पन सिविलाइजेशन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं और ये हमारा एंशियंट हिस्ट्री का टॉपिक नंबर फर्स्ट है। तो आज से हम लोग एंशियंट हिस्ट्री शुरू कर रहे हैं और थोड़ा सा मैंने पास्ट में क्या किया, पहले कौन सा लेक्चर आपका कंप्लीट हो चुका उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो हमने बायोलॉजी का जो है चैप्टर, सॉरी मतलब जो है पूरा सब्जेक्ट हमने खत्म किया है। टोटल 10 लेक्चर है, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके देख लो 10 लेक्चर, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में बायो से अगर क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो इसी में से आएगा। बायो में से एक टॉपिक बचा हुआ है, वह है आई, ठीक है। तो ये बायो का ही पार्ट है और कुछ लोग इसको फिजिक्स में भी डिस्कस करते हैं, ठीक है, लाइट चैप्टर में। तो जब मैं आपको लाइट पढ़ाऊंगा फिजिक्स में, लाइट चैप्टर फिजिक्स का जब मैं आपको करवाऊंगा, उस टाइम पे हम लोग आई के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि जो लाइट पास होती है हमारी आई से, ठीक है, आपके रेटिना पे कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है, तो इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे वहाँ पे। तो इसलिए मैंने इस टॉपिक को अभी फिलहाल के लिए रखा है ताकि हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे जब मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। और दूसरा रीज़न ये है एंशियंट हिस्ट्री स्टार्ट करने का, ये कि बहुत स्टूडेंट ऐसे बोल रहे थे कि थोड़ा सा जो सब्जेक्ट है चेंज करो, क्योंकि बहुत टाइम से हम लोग बायो पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा जो है मूड चेंज करने के लिए हमने एंशियंट हिस्ट्री दिया है, ताकि थोड़ा सा जो है मतलब कि आपका इंटरेस्ट बना रहे पढ़ने में, ऐसा नहीं कि आप बोर हो जाओ एक ही सब्जेक्ट पढ़ पढ़ के। तो इसलिए मैंने बायो के बाद जो है एंशियंट हिस्ट्री उठाया, और एंशियंट हिस्ट्री के बाद जो है आपका फिर से मैं आपका केमिस्ट्री एंड फिजिक्स का जो रिमेनिंग टॉपिक है मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो जो लोग भी डी यू एल बी 2024 के लिए अपियर होना चाहते हैं या फिर सी यू ई टी पी जी का के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर किसी भी थ्री ईयर एल एल बी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी आप कर रहे हो, तो ये जहाँ पर भी जीके का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आता है तो ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और इवन जुडिशरी के लोग जो भी देते हैं एग्जामिनेशन, ठीक है, जहाँ पे जीके आता है जैसे कि हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी, तो उनके लिए भी ये लेक्चर उतना ही यूज़फुल है जितना कि एलएलबी वालों के लिए। तो आप इसको रेफरेंस की तरह यूज़ कर सकते हो, ठीक। और इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है वो हम पूरी तरीके से कम्प्लीट करेंगे, और जो आपके लूसेंट में दिया गया है उसको भी हम पूरी तरीके से कम्प्लीट करेंगे। यानी कि ये जो मिक्सचर है, ये लेक्चर जो है मिक्सचर ऑफ बोथ द बुक्स है, ठीक है। आपको एनसीईआरटी अगर आपको रिवाइज करना है तो इस वीडियो को देखिए, और आपको कोई भी बुक उठा लो, एनसीईआरटी उठा लो, लूसेंट उठा लो, या फिर कोई भी बुक उठा लो, उससे आप प्रॉपर जो है रिवाइज कर सकते हो, आपको समझ में आएगा सब कुछ। एक और चीज़ यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, एंशियंट हिस्ट्री में हम कौन कौन से टॉपिक को डिस्कस करेंगे वहाँ पर यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आईवीसी दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन हम लोग डिस्कस करेंगे, सेकेंड हम लोग डिस्कस करेंगे वैदिक पीरियड जिसमें, ठीक है, थर्ड हम लोग डिस्कस करेंगे बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, ठीक। फोर्थ हम लोग डिस्कस करेंगे मौर्यन एम्पायर, ठीक है, मौर्यन एम्पायर जिसमें स्पेशली अशोका के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे गुप्ता पीरियड, ठीक है। उसके बाद हम कुछ मुस्लिम इन्वेडर्स के बारे में भी पढ़ेंगे, जो बेसिकली ये तो मुस्लिम इन्वेडर्स वाला जो है मिडिवल हिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन हम लोग एंशियंट से कनेक्ट करके, क्योंकि मुस्लिम इन्वेडर्स जो है एक एंशियंट के बाद से, मतलब एंशियंट हिस्ट्री जैसे ही इनका टाइमलाइन ख़त्म होता है तो स्टार्ट हो जाता है वो, ठीक है। तो ये कनेक्ट करता है मिडिवल और एंशियंट हिस्ट्री को, तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एंशियंट हिस्ट्री के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है मिडिवल हिस्ट्री, जिसमें कि हम लोग मुगल एम्पायर के बारे में डिस्कस करेंगे, और भी जो जैसे कि विजयनगर एम्पायर के बारे में डिस्कस करेंगे जहाँ से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। उसके बाद जो है मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है आपका वो है मॉडर्न हिस्ट्री से, क्योंकि देखो आपके एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है ना, हिस्ट्री से 4 से 5 क्वेश्चन, 4 to 5 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। इसमें मॉडर्न भी है, एंशियंट भी है, मिडाइवल भी है, तो देखो बहुत डिटेल में आपको नहीं करना है, बहुत ही बेसिक करना है, और जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो करने हैं जहाँ से आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। जैसे अगर मैं बताऊँ एंशियंट हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, और स्पेशली अशोका के बारे में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो तीन टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अगर एक सवाल आया अगर एंशियंट हिस्ट्री, तो इसी तीनों में, मतलब तीन में से किसी एक टॉपिक से आ सकता है, ठीक है। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं, बहुत हो गया, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं हरप्पन सिविलाइजेशन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो आज के टॉपिक में हम लोग कुछ बेसिक फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके पीछे अगर कुछ कॉन्सेप्ट होगा या कुछ कहानी है तो वो लोग हम डिस्कस करेंगे, ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो है फैक्ट याद हो जाए। तो सबसे फर्स्ट देखते हैं हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहीं से बन सकता है
कि जो हरप्पन सिविलाइजेशन का है या इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसका जो टाइमलाइन है, वो कब से कब तक का है। तो अगर ये एग्जामिनेशन में आपका क्वेश्चन आ जाता है तो आप लिखोगे क्या 2500 बीसी से, 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी तक का इनका जो है टाइमलाइन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ देखने की बात यह है, देखो ये जो है टाइमलाइन हर एक बुक में जो है अलग अलग दिया गया है, हर एक सोर्स जहाँ पे आप पढ़ते हो सकता है थोड़ा आगे पीछे हो, लेकिन जो आपको एक स्टैंडर्ड फॉलो करना है वो है 2500 से लेके 1750 बीसी, ठीक है। यहाँ पे मैं एक और चीज़ यहाँ पे दिखा देता हूँ, जैसे कि अर्ली इंडस वैली फेज की अगर मैं बात करूँ तो उसका जो टाइमलाइन है वो 3300 बीसी से लेकर के 2600 बीसी तक का यहाँ पे दिया गया है, ये आप देख लो यहाँ पे, ठीक है। मैच्योर हरप्पन फेज की अगर मैं बात करूँ तो 2600 बीसी से लेकर के 1900 बीसी तक का दिया गया है। अगर उसी तरीके से लेट हरप्पन फेज यानी कि लेटर इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करूँ तो वो क्या है 1900 से लेकर के 1300 बीसी तक दिया गया है। लेकिन एग्जामिनेशन में आपको इतना वैरायटी ऑफ ऑप्शंस नहीं मिलेगा, आपको एक ही ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो उस ऑप्शन में आपका जो लास्ट है वो आपको 1750 यानी कि 1750 आपको याद रखना है और ये 2500 आपको याद रखना है, बस इतना करना है आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेकर के। द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज द फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन इन साउथ एशिया। सबसे पहले यहाँ पे नोट डाउन कर लो कि ये अर्बन सिविलाइजेशन था। अगर रूरल सिविलाइजेशन की बात करूँ मैं तो वो कौन सा है, वैदिक कल्चर, हमारा वैदिक पीरियड जो था वो था रूरल सिविलाइजेशन, लेकिन हरप्पन सिविलाइजेशन जो है वो अर्बन सिविलाइजेशन है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जिस टाइम पे इंडिया में हरप्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्ट कर रहा था उसी टाइम पे ऑल अराउंड द वर्ल्ड और भी सिविलाइजेशन एग्जिस्ट कर रहे थे, जैसे कि मेसोपोटामिया, जैसे कि इजिप्ट में, तो ये दो सिविलाइजेशन भी थे, लेकिन हरप्पन सिविलाइजेशन वॉज द लार्जर देन एंशियंट इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। तो हरप्पन सिविलाइजेशन जो हमारा था वो लार्जेस्ट ऑफ द थ्री था। लेकिन अगर आपसे कॉन्टेम्प्रेरी पूछा जाए कि हरप्पन सिविलाइजेशन के कॉन्टेम्प्रेरी सिविलाइजेशन कौन कौन से थे, तो आपको मेसोपोटामिया देखना है, ठीक है, क्योंकि इनके बीच में ट्रेड रिलेशन भी अच्छा था, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे वो चीज़, और इजिप्ट के साथ भी, ठीक है। ये तो कॉन्सेप्ट हो गया कि इस टाइम पे थोड़ा सा बेसिक सा। अब हम बात करते हैं कुछ फैक्ट्स जहाँ से डायरेक्टली आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ से अराइज होता है वो है फर्स्ट साइट एक्सकेवेटेड, मतलब फर्स्ट साइट की डिस्कवरी किसने की थी और कब की थी और वो साइट का नाम क्या है। तो फर्स्ट साइट जो है हरप्पा है और इसी के नाम पे जो है हरप्पन सिविलाइजेशन भी दिया गया, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मतलब डिस्कवर किया गया था। और उसको किसने डिस्कवर किया था बहुत बार पूछा गया है, बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा गया है, दयाराम साहिनी, ठीक है, दयाराम साहिनी, और ये 1921 में इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। इसका जो है पूरा चार्ट नीचे दिया गया है, इसको मैं साथ में सारे सिविलाइजेशन जो जितने भी साइट्स हैं उनको किसने डिस्कवर किया, ठीक है, कौन से रिवर के पास में उनका लोकेशन है, ये सब हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल टाइमलाइन के साथ। यहाँ पे आपको इसलिए फर्स्ट दिया गया क्योंकि इसी के नाम पे हरप्पन सिविलाइजेशन दिया गया था, ठीक। एक और चीज़ यहाँ पे देखना है, एरिया कवर्ड, ये पॉइंट देखो, देखो ऊपर वाला पॉइंट है, आगे नीचे टेबल में आपको सब कुछ मिलेगा, इसलिए ऊपर वाले पॉइंट्स पे ध्यान मत दो, ठीक है। तो फर्स्ट जो सिविलाइजेशन ये ट्रायंगुलर इन शेप था, जिनका पूरा अगर आप पूरा एरिया अगर कवर करो, मैं आपको अभी मैप में दिखा देता हूँ एक बार ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो ये देख सकते हैं मैप यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो ये जो पूरा एरिया आपको दिख रहा है ये ब्राउन कलर में, ये जो था हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का पूरा एरिया था, ठीक है, मैच्योर फेज में अपने ये जो पूरा एरिया दिख रहा है आपको, ठीक, जहाँ पे आपको ये ब्राउन कलर में दिख रहा होगा, ये पूरा एरिया जो है इसी को हम बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये पूरा एरिया। जैसे कि आपको यहाँ पे देखो मोहनजोदारो दिख रहा होगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट साइट है, आपको यहाँ पे राखीगढ़ी दिख रहा होगा, तो ये पूरा इंडिया का जो एरिया है, जो वेस्टर्न पार्ट, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, ठीक है, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तो ये जो पूरा एरिया कवर कर रहा है ये हमारा पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ करता था अपने इस टाइम पे। देखो यहाँ पे टाइमलाइन थोड़ा सा आपको अलग दिख रहा होगा, लेकिन आपको 2500 से लेकर के 1750 तक लेना है, क्योंकि अलग अलग जगह वेरिएशन है, ठीक है, तो आपको जो मोस्ट एक्सेप्टेड है वो मानना है, ठीक है, आपको रफली आप याद रखना है, वैसे आप एग्जामिनेशन में एलिमिनेट कर पाओगे, उतना ज़्यादा कन्फ्यूज आपको नहीं करेगा। तो ये सब साइट्स हैं जो आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबका नाम आएगा आपको, जैसे धौलावीरा देखो गुजरात में है, यहाँ पे राखीगढ़ी आपको देखो हरियाणा में दिख रहा होगा, यहाँ का
तो इस तरीके से जो है आपको ध्यान रखना है। सबसे इम्पॉर्टेंट जैसे कि मोहनजोदारो है, राखीगढ़ी है, ठीक है, यहाँ पे धोलावीरा है, लोथल है, देखो ये इम्पॉर्टेंट है, ट्रेडिंग साइट हुआ करता था ये, यहाँ पे शिपयार्ड था, शिपयार्ड। तो जो ये सब इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए मैप आपको मैंने दिखा दिया एक बार, ठीक। अब हम बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि आपके एग्जामिनेशन में जहाँ से सवाल पूछा जा सकता है, यहाँ पे लगा लो इम्पॉर्टेंट, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना वही आप पढ़ना। एक्स्ट्रा अगर जो इसमें दिया गया, अगर आप पढ़ने लग जाओगे ना तो पागल हो जाओगे, क्योंकि आपके लिए रिलेवेंट नहीं है, मैं अगेन बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं आपको पढ़ना है। आपको क्वेश्चन पेपर देखो कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, उसके हिसाब से आपको पढ़ना है। इतना जो करवा रहा हूँ ये भी आपके लिए मोर देन सफिशियंट है, इसमें से बहुत सारा कुछ नहीं आएगा आपके एग्जामिनेशन में, तो उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो ये कभी कभी आपसे एग्जामिनेशन पूछ सकता है कि नदर्न मोस्ट साइट ऑफ जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है कौन सा है और कहाँ पे है। जैसे कि जम्मू कश्मीर में है मांडा, ठीक है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो है नदर्न मोस्ट जो पार्ट है, ये आपको चारों याद, नदर्न मोस्ट साउथ में कौन सा है, वेस्ट में कौन सा है और ईस्ट में कौन सा है, ये आपको याद रखना है। सदर्न मोस्ट कौन सा साइट है, दाइमाबाद, कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, गुजरात महाराष्ट्र तक ये एरिया फैला हुआ था, इससे आप लगा सकते हो। ईस्टर्न मोस्ट साइट कौन सा है, आलमगीरपुर, कहाँ पे है, यूपी में, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपको ये भी याद है ना तो आप अगर एक भी पूछ लिया जाए तो आप एलिमिनेट कर दोगे ऑप्शंस को। वेस्टर्न मोस्ट साइट कौन सा है, तो सुतका गेंदौर पाकिस्तान ईरान बॉर्डर के पास है, वो आप मैप फिर से देखो पीछे जाके, वहाँ पे आपको ये सारा लोकेशन दिख जाएगा, ठीक। अब देखो सबसे लार्जेस्ट साइट कौन सा है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो है मोहनजोदारो। इस पर एक मूवी भी आई थी ऋतिक रोशन की, ठीक है, तो मूवी से भी आपको आइडिया लग सकता है कि किस तरीके से वहाँ सिविलाइजेशन था, कल्चर था, थोड़ा बहुत आइडिया लग सकता है। तो मोहनजोदारो वॉज द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो ये स्टार मार्क कर लो, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, हरप्पन स्क्रिप्ट, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो कि हो सकता है स्टैटिक जीके के तौर पे आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाए। ओल्डेस्ट डिसाइफर्ड स्क्रिप्ट, ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ये भी हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में। ये सब देखो फैक्ट्स हैं, ठीक है, आपको याद करने होंगे ये। समन्स आर द मेन एंड वुमेन हु क्लेम मैजिकल एंड हीलिंग पावर्स एज वेल एज द एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद द अदर वर्ल्ड, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये यूपीएससी वगैरह आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है तो वहाँ पे पूछा जाता है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बस जो बेसिक है ना, जैसे कि ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट कौन सा है तो ब्रह्मी स्क्रिप्ट, लार्जेस्ट साइट कौन सा है तो मोहनजोदारो, ठीक है, नॉर्दर्न मोस्ट साइट, सदर्न मोस्ट साइट, ईस्टर्न मोस्ट साइट, ये सब आपको पता होना चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं। अब जो मैं ये करवा रहा हूँ टेबल, ये टेबल आपको याद होना चाहिए कि किसने कब डिस्कवरी की थी किस साइट की और कौन से ईयर में किया था और किस रिवर के पास में उनका लोकेशन है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो सबसे फर्स्ट है हरप्पा, हरप्पा साइट जो है इसी के नाम पे हरप्पन सिविलाइजेशन भी पड़ा था, या फिर इसी को हम बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, मैंने आपको फर्स्ट में ही फर्स्ट टाइम बताया था ये चीज़। तो ये कहाँ पर इसका लोकेशन है, पाकिस्तान, पाकिस्तान वाले पंजाब में, इंडिया वाले पंजाब में नहीं, पाकिस्तान में भी पंजाब है, ठीक है। और रिवर यहाँ पे बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, कौन से रिवर के किनारे पे ये साइट का लोकेशन है, तो है रावी रिवर, कौन सा रिवर, रावी रिवर। और इसकी डिस्कवरी किसने की थी, एक्सकेवेटर कौन थे इसके, दयाराम साहनी, और कब किया था, 1921 में, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, हिस्ट्री से रिलेटेड, इसलिए बता दे रहा हूँ मैं आपको। पता होगा कि 1921 में इस टाइम पे ब्रिटिशर्स जो है हमारे कंट्री पे रूल कर रहे थे, और बहुत पहले से कर रहे थे, 1921 में तो बहुत कुछ हो चुका था। लेकिन जैसे ही, जैसे ब्रिटिशर्स का मानना था कि जो लोग वाइट मैन हैं, ठीक है, वाइट मैन वर्डन करके एक कॉन्सेप्ट है उनका, वाइट मैन वर्डन, तो इनमें उनका क्या कॉन्सेप्ट था, ये थ्योरी है कि वाइट मैन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो हम जैसे जैसे ब्राउन पीपल जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में है, या वेस्ट इंडीजियन, मतलब वेस्ट इंडियंस हैं, उनको वो सिविलाइज करें, ठीक है, उनको सिखाएं कि कैसे रहा जाता है, कैसे सिविलाइजेशन एग्जिस्ट होता है, ये सब के बारे में। लेकिन जब 1921 में दयाराम साहनी ने डिस्कवरी किया, ठीक है, हड़प्पा का, जो कि कितना पुराना था उस टाइम से, सोच लो कि आप 2500 इवन 3600 लगा लो स्टार्टिंग से, अगर प्री हड़प्पन की बात करें हम, तो सोचो कि ऑलमोस्ट 4500 ईयर, मतलब 4500 साल पुराना सिविलाइजेशन था हमारा, जबकि उस टाइम पे ब्रिटिशर्स वगैरह एग्जिस्ट भी नहीं करते थे, ठीक है। तो उस टाइम पे रियलाइज़ हुआ हम इंडियंस को कि नहीं, हमें ये क्या सिविलाइज करेंगे, हमारा सिविलाइजेशन तो इनसे बहुत बहुत ज़्यादा पुराना है।
ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो कि आपको पता, टाइमलाइन पकाना चाहिए कि 1921 में ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे और उस टाइम पे बहुत कुछ इवेंट्स हो रहे थे, ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी का, ठीक है, फिर ये खेड़ा मूवमेंट वगैरह 1918 में हुआ था, 1918 में। तो ये सब टाइमलाइन के अराउंड ही आपको थोड़ा टाइमलाइन आपको याद रखना होगा हिस्ट्री में, क्योंकि टाइमलाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब मॉडर्न हिस्ट्री स्पेशली मैं अगर बात करूँ तो। ये थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन था, इसको आप इग्नोर भी कर सकते हो, कहानी के लिए मैंने आपको बता दिया, ठीक। अब आई थिंक आपको याद रहेगा कि दयाराम साहनी ने 1921 में हरप्पा जो साइट है उसका उन्होंने डिस्कवरी किया था ये चीज़, ठीक है। अब फाइंडिंग्स के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। मदर गॉडेस से बार बार क्वेश्चन पूछा गया कि मदर गॉडेस कौन से साइट पे पाया गया था, मदर गॉडेस का जो स्टैचू था एक, ठीक है, वो कहाँ पे, तो हरप्पा का है, मतलब ठीक है, रेड सैंडस्टोन मिल्स टोरसो ग्रेनरीज। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्रेनरीज हरप्पा साइट का एक, हरप्पा जो सिटी था उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है ग्रेनरीज, जहाँ पे अनाज वगैरह रखा जाता था, ठीक है, मतलब ये एक तरीके का गोडाउन बोल सकते हैं इसको, जहाँ पे मतलब प्रिजर्व करके रखा जाता था फूड वगैरह, मतलब जैसे कि गेहूँ ये सब जो खाते थे वो लोग, ठीक है। स्टोन सिंबल्स ऑफ लिंगम एंड योनी पेंटेड पॉटरी एंड मदर गॉडेस पे बहुत बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया, और ग्रेनरीज के ऊपर, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको याद रहना रहे बहुत कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट है, ये है लार्जेस्ट, ये सबसे लार्जेस्ट है मोहनजोदड़ो, इसके बारे में, ये कौन से स्टेट में है, अगेन ये पाकिस्तान में है, और कहाँ पे है, सिंध में। देखो सिंध पंजाब ये सब आपको याद नहीं रखना है, पाकिस्तान इतना याद रहे बहुत है, मोर देन सफिशियंट है। रिवर आपको याद रखना है, रिवर कौन सा है, इंडस। अब इसी के नाम पे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी पड़ा था, इंडस वैली, क्योंकि इंडस रिवर जो है सबसे बड़ी रिवर है उस एरिया में, और उसी की जो आसपास जो है ये सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करता था उस टाइम पे, तो उसी के नाम पे जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन पड़ा। और जो सबसे साइट लार्जेस्ट साइट है जो डिस्कवरी में, वो है मोहनजोदड़ो, और इसकी डिस्कवरी किसने की थी, तो आर डी बनर्जी 1922 में, जस्ट एक साल बाद। आपको ये टाइमलाइन आपको याद रखना होगा, क्योंकि ये ईयर पूछता है कभी कभी, ठीक है। आर डी बनर्जी और उनके साथ कौन कौन से थे, काशीनाथ दीक्षित, ई मके, सर जॉन मार्शल, ये सब, क्योंकि देखो, और यहाँ पे देखो आपको अलग अलग 1930 दिख रहा होगा, तो ये इसलिए लिखा हुआ है ना, कन्फ्यूज़न यहाँ नहीं होना है, कि जैसे कुछ चीज़ हो 1922 में मिला, फिर वहाँ पे और रिसर्च हो रहा था और एक्सकेवेशन किया जा रहा था, तो कुछ चीज़ें जो हैं 1930 में सामने आई हमारे सामने, हमें पता चला और कुछ भी वहाँ पे था, एग्जिस्ट करता था, तो ये जो टाइम लाइन है वेरी करता है, लेकिन आपको 1922 एक साल बाद ही मोहनजोदड़ो का खोज कर लिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है 1921, और आपके एग्जामिनेशन में इसी दोनों में से कोई एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर ईयर पूछा तो, और किसने डिस्कवरी की थी ये पूछा गया, तो आपको दोनों रिवर किसने खोज की थी, कौन से ईयर में किया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। आगे हम बढ़ते हैं। अब देखो ये तो मैंने आपको बता दिया कि लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, और यहाँ पे देखा गया पोस्ट क्रीमेशन बरियल, मतलब जब लोग मर जाते हैं तो उनको जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता है, ये वाला सिस्टम जो था यही मोहनजोदड़ो में ही पाया गया था, ठीक है। ग्रेट ग्रैनरी, ग्रेट बाथ, ये बहुत बार पूछा कि ग्रेट बाथ कहाँ पे है, तो ग्रेट बाथ ये स्टार मार्क लगा लो, ग्रेट बाथ कहाँ का फीचर है, ये है मोहनजोदड़ो का फीचर है। लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ सिविलाइजेशन, सेल विथ पशुपति, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कहाँ है। मदर गॉडेस ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, जब आप मोहनजोदड़ो मूवी देखोगे ना तो ये सब क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे पशुपति के बारे में डिस्कस किया गया है, ग्रेट बाथ के बारे में डिस्कस किया है, मूवी से बहुत कुछ आप क्वेश्चन भी सही कर सकते हो, तो अगर आपने मूवी नहीं देखे तो जाके एक बार देख लो, ठीक। अब हम बात करते हैं चानूदारो, ये देखो ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। पाकिस्तान है, नियर मोहनजोदड़ो, रिवर अगेन इंडस, और एक्सकेवेटर कौन थे, एन जी मजुमदार 1931 में, एंड ई मके, तो ई मके वगैरह को बाद नहीं रख सकते, मत रखना, एन जी मजुमदार जो 1931 में इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। फाइंडिंग्स क्या क्या है, मेटल वर्कर्स, डॉग्स पॉ इन प्रिंट ऑन ब्रिक, टेराकोटा मॉडल ऑफ बुलक कॉर्ट्स, ठीक है, ये सब फाइंडिंग्स है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हरप्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब देखो जो इंडिया में है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए अच्छे से, जैसे कि लोथल कहाँ है, गुजरात में, ये कहाँ है, गुजरात, और इस पर कुछ कुछ डेवलपमेंट्स होते रहते हैं रिसेंटली, ये करंट अफेयर्स का भी पार्ट है, जैसे धौलावीरा, लोथल, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है, राखी गढ़ी, ये तीनों इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में है, तो इनको आपको ध्यान रखना होगा। ये कहाँ है, गुजरात स्टेट, अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, गल्फ ऑफ कैम्बे। अब ये रिवर इंपॉर्टेंट है, भोगवा रिवर एंड साबरमती रिवर कॉन्फ्लुएंस,
दोनों में से एक भी ऑप्शन आपके एग्जामिनेशन में हो सकता है या फिर दोनों दिया जा सकता है। और एक्सकेवेटर कौन थे? एस राव इन 1953। ये बहुत बार यानी कि आपके हमारे इंडिपेंडेंस के बाद इस साइट का जो है मतलब डिस्कवरी किया गया था 1953 में, ठीक है, एस राव ने किया था। फाइंडिंग्स क्या क्या था? नेवल ट्रेड साइट, क्योंकि ये कोस्टल रीजन पे है तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पे ट्रेडिंग वगैरह तो होता ही होगा, तो इसलिए नेवल ट्रेड साइट था ये। और यहाँ जो सबसे उगाया जाता था जो मतलब इसको बोलते हैं जो खाने के लिए, वो राइस था फेमस, राइस हस्क। डबल बरियल सिस्टम, मेल एंड फीमेल टुगेदर, मतलब जो मेल एंड फीमेल दोनों को एक साथ दफनाया जाता था मतलब क्रीमेट किया जाता था, तो यहाँ पे वो सिस्टम दिया गया था। लेकिन यहाँ पे डॉक यार्ड, यानी देखो डॉक यार्ड, नेवल ट्राइड सिस्टम, ये सब इंटरलिंक है। आपको एक चीज़ याद रखो कि बाकी सब अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। डॉक यार्ड ही था क्योंकि यहाँ पे शिप वगैरह आके रुकते थे, मतलब जो भी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह होता था दूसरे जैसे मेसोपोटामिया से या फिर इजिप्ट वगैरह से, तो उनके लिए ट्रेडिंग साइट की तरह काम करता था ये। तो आपको ये लोथल के बारे में पता होना चाहिए, लोथल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं धौलावीरा के बारे में। तो धौलावीरा भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टेट कौन सा है? अगेन गुजरात। रिवर कौन सी है? लूनी। ये लूनी रिवर के पास में इसको एक्सकेवेट किया गया था। आर बेस्ट ने इनको किया था 1985 में, ये बहुत मतलब एज पर दी एनसीईआरटी दिया गया 1985, क्योंकि सब लोग बहुत सारे बुक्स में क्या मेंशन है, जेपी जोशी ने किया था 1991 में, तो जो एनसीईआरटी में दिया गया आपको ही फॉलो करना है, ठीक है। कहीं दूसरे बुक का रेफरेंस, दूसरे बुक में कुछ और लिखा हुआ आपको नहीं देखना है, जो एनसीईआरटी में दिया गया कि 1985 में किसने किया था, आर बिस्ट ने, तो आपको वही एग्जामिनेशन में टिक करना है, ठीक है। फाइंडिंग्स क्या था? यूनिक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम एंड इट्स स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम, ओनली साइट्स डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स, मेगालिथिक स्टोन सर्कल, जाइंट वाटर रिजर्वायर्स। तो ये बस आपके लिए ध्यान देना है, ठीक है, उतना पूछेगा नहीं। सुरकोटडा गुजरात में है, अगेन जेपी जोशी ने किया था 1964 में। फाइंडिंग्स, ओनली साइट विद बोन्स ऑफ हॉर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हॉर्स से रिलेटेड है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बाकी जगह किस कहीं पे भी हॉर्स का उतना डिस्कशन नहीं किया गया है पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, बस यही एक साइट है जहाँ पे हॉर्स के बारे में बात की गई है, ठीक। सोल्जर साइन ऑन पोस्ट हर्ट्स, ठीक है, मतलब जो वहाँ के कुछ सिंबल्स होते थे वहाँ पे सोल्जर्स के साइन बनाए गए थे, ये भी यहाँ पे फाइंडिंग्स दिया गया, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काली बैंगन, ठीक है, ब्लैक बैंगल्स, जैसे कि ब्लैक मतलब काली और बैंगल्स मतलब बैंगन, उनको बैंगन बोलते थे अपने लोकल टर्म में उस टाइम पे, तो ब्लैक बैंगल्स। और ये कहाँ पे लोकेशन है इसका? राजस्थान। रिवर कौन सा है? घग्घर, घग्घर रिवर के पास में इसका लोकेशन है। एक्सक्यूटर कौन सा है? अमला आनंद घोष 1953 में, और डॉक्टर बीबी लाल एंड बी के थापर। तो आपको एक नाम याद रखना बहुत मोर देन सफिशियंट है, आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। अगेन मैं बता रहा हूँ, बस ये आपको बता रहा हूँ ताकि आपको लगे कि मैंने पढ़ लिया, ठीक है। बैंगल फैक्ट्री, जैसे कि नाम से ही आपको दिख रहा होगा। प्लोइंग फील्ड, मतलब जैसे खेती जो होता है, तो फर्स्ट टाइम यहीं पर देखा गया था कि खेती यहाँ पर एग्जिस्ट करता था पहले के टाइम पर। कैमल बोन्स फायर अल्टर्स, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप मतलब याद रख सकते हो। तो बाकी आप बनवाली देख लो, अगेन हरियाणा में है, घग्घर रिवर के पास, ठीक है। एक्सकेवेटर कौन थे? आर एस बिस्ट थे 1973 में। ओवल शेप सेटलमेंट था। ओनली सिटी विथ रेडियल स्ट्रीट, देखो बाकी हरप्पन सिविलाइजेशन का क्या वो है, मतलब कि ये 90 डिग्री पे इनके स्ट्रीट्स होते थे ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। इनका जो था राइट एंगल पे था इस तरीके से, लेकिन ये सिर्फ बनवाली में ऐसा था कि ओनली सिटी विथ रेडियल स्ट्रीट्स, तो ये आप ध्यान में रख सकते हो, बाकी उतना कुछ इम्पॉर्टेंट है नहीं, ठीक। अगेन रोपर पंजाब में, सतलज रिवर के पास में। वाईडी शर्मा 1955 में। यहाँ पे देखो डॉग बरीड विद ह्यूमन, कुत्ते को ह्यूमंस के साथ में मतलब बरी किया जाता था आफ्टर डेथ, तो ये चीज़ यहाँ पे। फर्स्ट साइट टू बी एक्सकेवेटेड आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद फर्स्ट साइट कौन सा एक्सकेवेट किया गया था, वो है रोपर, जो कि कहाँ है? पंजाब में। तो बाकी सब फैक्ट्स है, फैक्ट्स है बस। अब देखो ये राखीगढ़, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये इसका लोकेशन कहाँ है? हरियाणा है। और इंडिया के अंदर वैसे तो मोहनजोदारो सबसे लार्जेस्ट साइट है, लेकिन अगर सिर्फ इंडिया की बात करूँ मैं, इंडिया में सिर्फ, तो इंडिया के अंदर जो है राखीगढ़ी सबसे बड़ा साइट है, लार्जेस्ट इंडियन साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखो यहाँ पे इंडियन साइट लिखा, पूरे नहीं, पूरे में सबसे बड़ा कौन सा है? मोहनजोदारो।
granary, cementery, drains, terracotta bricks shows all three phase of Harappan's culture. मतलब कि प्री हरप्पन, मैच्योर हरप्पन एंड आफ्टर, जो डिक्लाइन वाला फेज था, ये तीनों यहाँ पे देखने को मिलता है. ठीक है, तो ये चीज़ है. आलमगीरपुर ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन में. एक एग्जामिनेशन कौन सा है मुझे याद नहीं, वहाँ पे पूछा गया था कि कौन से रिवर के पास है, तो हिंडन रिवर. ये इंपॉर्टेंट है, कहीं पूछा गया तो पूछा जा सकता है. और वाई डी शर्मा ने 1958 में किया गया था. तो बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं, जो जो इंपॉर्टेंट साइट्स थे. ठीक है, बाकी आप पढ़ सकते हो, लेकिन आपके एग्जामिनेशन में जो जो इंपॉर्टेंट है उसको याद रखो, क्योंकि एलिमिनेशन यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से आएगा, टोटल हिस्ट्री से, उसमें मॉडर्न का सबसे ज़्यादा वेटेज होता है. तो एंशियंट में एक आध क्वेश्चन आ गया तो जाहिर सी बात है एक आध ऑप्शन तो, जैसे कि हो सकता है आपको दयाराम साहनी के बारे में पूछ दे और पूछ दे कि वो आलमगीरपुर है, तो ऐसे ही एलिमिनेट कर दोगे. तो इस तरीके से आप मैनेज करके ऑप्शंस मतलब टिक कर सकते हो. ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो कि पूरा का पूरा एंशियंट हिस्ट्री उठा के पढ़ने लग जाओ. हाँ, अगर आप किसी और चीज़ की तैयारी कर रहे हो साथ में तब आप पूरा पढ़ सकते हो. अदरवाइज अगर आपका सिर्फ फोकस सीयूईटी पे है या फिर जुडिशियल एग्जामिनेशन पे, तो ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है एंशियंट हिस्ट्री. ठीक, तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी कुछ डिस्कस करेंगे इसके आगे, कि इनका जो सोसाइटी था कैसा था, ठीक है, किस तरीके का स्क्रिप्ट था, ये सब बेसिक सा जो इन्फॉर्मेशन बच गया वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे. बाकी इस वीडियो में इतना ही. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.